बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स। तो इस हिस्से में हम मैट्रिसेस कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर वन है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए इज रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ रोज ओनली वन, इसलिए ऐसे हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए जो है वो रो मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 7, 3। अब यहाँ पे भी देखें नंबर ऑफ रोज जो है वो वन है, तो इसको भी हम रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो रो मैट्रिक्स जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने नोट की होगी कि कॉलम्स के बारे में हमने इसको कंसिडर नहीं करना। बेशक इसमें दो कॉलम्स हैं, इसमें तीन कॉलम्स हैं, लेकिन हम सिर्फ रो को देखेंगे। अगर वन रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी कॉलम की तादाद जितनी मर्जी हो लेकिन रो जो है वो ओनली वन होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखें कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो वन है, ओनली वन कॉलम इज, तो इसको हम सी को एक कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। रोज़ बेशक इसमें दो हैं लेकिन रोज़ को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, 7, 2, -0, -6। अब यहाँ पे भी आप नोट करें कि सिर्फ ओनली वन कॉलम, मैट्रिक्स डी हैज़ ओनली वन कॉलम। तो चूंकि इसमें एक ही कॉलम है लिहाजा ये मैट्रिक्स डी जो है ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसकी जो रोज़ है इसको कंसिडर नहीं करना, यानी जो रो मैट्रिक्स होता है उसमें हम सिर्फ रोज़ को कंसिडर करते हैं, ओनली वन रो होनी चाहिए, और जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें ओनली हम कॉलम को कंसिडर करते हैं और इसमें एक कॉलम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें अगर आप, तो नंबर ऑफ रोज जो है वो टू है, नंबर ऑफ रोज वन है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो टू है। तो रोज़ और कॉलम की तादाद जो बराबर नहीं है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसी तरह एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, बी। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज जो है वो टू है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो थ्री है। तो रोज़ और कॉलम चूंकि इक्वल नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स बी जो है वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। वो इसके ऑर्डर से भी शो हो रहा है, इसका ऑर्डर 1x2 या 1/2, और इसका ऑर्डर 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। तो ये रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है और इसमें रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब हम आगे चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज
इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास मैट्रिक्स है। अब देखें इसमें रोज़ वो भी टू हैं और कॉलम जो है वो भी टू है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम चूँकि इक्वल है इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह एक मैट्रिक्स हमारे पास एच अब एच हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 और इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 3, तो रोज़ और कॉलम्स की तादाद चूँकि इसमें इक्वल है तो एच जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब इन दोनों में डिफरेंस आपको वाजे हो चुका होगा, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं होते लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम जो है वो इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो, कि अगर किसी मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो वो नल मैट्रिक्स या उसको ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसके तमाम एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हैं तो इसलिए ये एक नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। इसी तरह बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब इसमें तमाम एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हैं तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है। इसी तरह ओ हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, इसमें भी आप देखेंगे तमाम एंट्रीज जो है चूँकि ज़ीरो है इसलिए हम इसको नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक ख़ास बात जो नोट करने वाली है कि जो नल मैट्रिक्स है उसका नाम जो है वो हमेशा उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उसको हम कैपिटल ओ से ज़ाहिर किया जाएगा करेंगे, यानी नल मैट्रिक्स किसी भी किस्म का हो तो उसका जो जनरल उसकी डिनोट करने का मेथड है वो उसको कैपिटल ओ से जो है वो ज़ाहिर किया जाता है, यानी स्पेसिफिक नाम भी आप दे सकते हैं लेकिन जनरल नाम उसका क्या होगा उसको ओ से ज़ाहिर किया जाएगा। तो नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स यानी तमाम एंट्रीज जिसमें ज़ीरो होंगी वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करना चाहते हैं तो ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, इसकी जो रोज़ है उसको कॉलम्स में चेंज कर देंगे या कॉलम जो है उसको रोज़ में इंटरचेंज कर देंगे, यानी रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में चेंज करने से जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसको हम ट्रांसपोज का नाम देंगे। अब फ़र्ज़ किया ए का हमने ट्रांसपोज मालूम करना है तो इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे हम ए ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ ए। अब इसमें आपने क्या करना है, इसकी रोज़ और कॉलम को चेंज करना है, यानी इसकी ये फर्स्ट रो है तो इसको आप कॉलम बना दें, यानी ये रो थी यहाँ पे हमने इसको कॉलम के तौर पर लिख दिया। इसी तरह ये इसकी सेकंड रो है तो ये इसका सेकंड कॉलम बन गया, यानी रोज़ कॉलम में चेंज होगी, इस तरह ये रो वो भी कॉलम में चेंज होगी। तो अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया ये इसका ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो फिर भी ट्रांसपोज हासिल किया जा सकता है, वो भी यही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को देख लें, ये इसका फर्स्ट कॉलम है -1 2, अगर हम इसको कॉलम को रोज़ में चेंज करें तो ये रोज़ में ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये 0 1 इसका कॉलम है तो ये रो में ऑलरेडी चेंज होगा, यानी अगर आप एक चीज़ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी जो है वो चेंज होगी। तो रोज़ और कॉलम जो है इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो हासिल होने वाला मैट्रिक्स होगा वो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा।
अब नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स अब ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है -1, 0, 2, 7। अब हम इसका नेगेटिव मालूम करना चाहते हैं, तो नेगेटिव जो मैट्रिक्स है मालूम करने के लिए आपने जस्ट उसको क्या करना है, इसके जो तमाम एलिमेंट्स के साइन हैं उनको चेंज कर देना आपने। तो चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो उसका नेगेटिव कहलाएगा। तो नेगेटिव मैट्रिक्स को हम -A इस तरह डिनोट करेंगे, अब देखिए -1 इसका साइन चेंज करेंगे तो +1 हो जाएगा। इस तरह 0 है, इसका साइन 0 जो है वो ना तो नेगेटिव नंबर में शुमार होता है ना पॉजिटिव नंबर में शुमार होता है, इसलिए 0 0 रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद 2 जो है ये -2 हो जाएगा और 7 जो है वो -7 हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि जस्ट हमने तमाम एंट्रीज जो है उसके साइन चेंज किए हैं, तो हासिल होने वाला जो मैट्रिक्स है वो उसका नेगेटिव कहलाएगा, तो ये -A इसके इक्वल होगा। तो जस्ट आपने उसके तमाम एंट्रीज तमाम एलिमेंट्स के जो साइन पहले से चेंज कर देने, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अब ये बी एक मैट्रिक्स है, अब इसका नेगेटिव हमने मालूम करना है तो इस तरह डिनोट करेंगे इसको, तो 7 माइनस क्या है ये +7 हो जाएगा, 2 प्लस क्या है तो ये -2 हो जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो बी का हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, के ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका जो ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक नाम देंगे हम। फॉर एग्जांपल एम हमारे पास एक मैट्रिक्स है, -1, 2, 3, 2, -1, 4, 3, 4, 0। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अब ट्रांसपोज में हमने क्या करना है कि इसकी रोज और कॉलम जो है उनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो ये इसकी फर्स्ट रो है, तो इसको हम कॉलम के तौर पर लिख देंगे, 1, 2, 3 रो है तो ये कॉलम बन गए। इसी तरह ये इसकी सेकंड रो है, 2, -1, 4, यहाँ पे रो की फॉर्म है, यहाँ पे हमने इसको कॉलम बना दिया। इसी तरह इसकी थर्ड रो है, 3, 4, 0, यहाँ पे ये रो की फॉर्म है तो हमने इसको कॉलम बना दिया। अब ज़रा चेक करें कि हमने इसके रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज किया है, तो दोबारा इसको चेक करें तो ये सेम वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा हासिल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो उसी मैट्रिक्स एम के इक्वल है। तो अब हमने क्या किया, एम जो है इसका ट्रांसपोज लिया और जो मैट्रिक्स आंसर आया वो भी वो सेम मैट्रिक्स वही है, यानी एम के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एम जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सिमेट्रिक मींस कि अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा वही मैट्रिक्स हासिल हो जाए, तो वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। और अगर वो दोबारा वही मैट्रिक्स हासिल ना हो तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स है 3, 5, 0, 1, अब अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो 3, 5 ये कॉलम बन गया, 0, 1 रो थी ये इसका कॉलम बन गया। अब ज़रा चेक करें, इसको प्रीवियस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें तो ये सेम मैट्रिक्स नहीं आया, तो लिहाजा यहाँ पे हम कह सकते हैं ए इज़ नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इस सूरत में चूँकि वो मैट्रिक्स दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आया था ट्रांसपोज लेने के बाद भी,
तो लिहाजा इसमें क्या होगा, एम इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इन दो एग्जांपल से हमें जो बात वाजे हुई वो ये है कि अगर ट्रांसपोज लेने से वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, तो अगर एक मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव की इक्वल आ जाए। ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया तो उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। अगर वो सेम वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक होगा, अगर उसके नेगेटिव की इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0, 2, 3, -2, 0, 1, -3, -1, 0। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो अब हम देखते हैं इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज फाइंड करने का वही मेथड जो आप पहले पढ़ चुके हैं, इसकी रोज़ को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना, 0, 2, 3, -2, 0, 1, -3, -1 और 0। तो इसकी जो रोज़ है उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब देखें ज़रा दोबारा वही मैट्रिक्स नहीं आया अभी, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम सिंपलीफाई करें तो हम इसका नेगेटिव बना सकते हैं। 2 जो है इसको -2 इस तरह लिखा जा सकता है, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वही चीज़ सेम वैसे आ जाएगी, 0 और -1। इसी तरह 3 जो है इसको -3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह -1 और 0। अब देखें अब इन तमाम एलिमेंट्स जो है इनके साथ माइनस का साइन आ चुका है, अगर आप इसको सिंपलीफाई करें तो वही चीज़ आ जाएगी, इसको सिंपलीफाई करें वही चीज़ आएगा, हमने सिर्फ इसको एक ख़ास अंदाज में लिखा है, एक्चुअली ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है। अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तमाम मैट्रिक्स पूरे में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो 0 चूँकि नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता इसलिए 0 रहेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो -2 रह जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इसी तरह इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3, -3, -1 और 0। आप देखें माइनस कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आया तो इसको आप कंपेयर करें इस मैट्रिक्स के साथ, 0, 2, 3, -2, 0, 1, इस तरह -3, -1, 0। तो अब देखें कि माइनस कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स ए है वही आ गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस इस मैट्रिक्स जगह ए, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो अब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक देखें, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, ए को स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देंगे। देयरफॉर ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो अगर वो माइनस ए के इक्वल नहीं आता तो वो सिमेट्रिक न्यू स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ इट्स डायगोनल आर नॉट कंपल्सरी 0। बट ऑल डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये है
कि डायगोनल मैट्रिक्स, पहली बात तो ये कि एक स्केयर मैट्रिक्स होता है, तो जो स्केयर मैट्रिक्स है वही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। तो अब हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, इसके जो एलिमेंट 5 0 0 5, अब हमने चेक करना कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाली जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये वाले एलिमेंट जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो तमाम ज़ीरो नहीं होने चाहिए, तमाम ज़ीरो नहीं होने चाहिए, यानी एटलीस्ट उसमें एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर हो जो ज़ीरो ना हो, सब ज़ीरो नहीं होने चाहिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो लाजमी तौर पर ज़ीरो होना चाहिए। तो अब ये कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो नहीं है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब ज़ीरो हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसी को एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं। बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 0 0 0, अब ये भी एक स्केयर मैट्रिक्स है। अब इसको हम देखते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन क्या है कि उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अब 3 और 0 दो ही एलिमेंट है, तो इसमें एक ज़ीरो है और दूसरा ज़ीरो नहीं है, तो एटलीस्ट एक हमें मिल गया जो ज़ीरो नहीं है। तो लिहाजा जो डायगोनल एलिमेंट है, जो पहली कंडीशन है, इसकी डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कुछ ज़ीरो हो सकते हैं उसमें से, तो ये कंडीशन पूरी हो रही है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो लाजमी तौर पर ज़ीरो होने चाहिए, वो भी यहाँ पे पूरी हो रही है, तो इसलिए बी जो है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह सी एक हमारे पास मैट्रिक्स है 3 0 0 0, अब ये पहली कंडीशन तो ये कि स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो अब इसमें 3 रोज 3 कॉलम है, तो इसलिए स्केयर मैट्रिक्स है। तो अब इसमें देखें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तमाम ज़ीरो नहीं है, 1 2 5, तो ये ज़ीरो नहीं है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट सारे क्या होंगे, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये, तो ये सारे ज़ीरो हैं, लिहाजा ये सी जो है मैट्रिक्स वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब थोड़ी सी इसमें मैं अल्टरेशन से एक और एग्जांपल दे दूं, फ़र्ज़ किए मैं यहाँ पे भी ज़ीरो लिख देता हूँ। अब ये ए सी हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ गया, मैंने उसी में चेंज कर दिए। तो अब यहाँ पे देखें जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे ज़ीरो नहीं है, एक एलिमेंट ज़ीरो है, बाकी अभी दो ऐसे हैं जो ज़ीरो नहीं है। तो अभी भी ये डायगोनल एलिमेंट की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये फुलफ़िल कर रहा है उस कंडीशन को, तो इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। इवन कि अगर हम यहाँ पर भी ज़ीरो लिख देते हैं तो अभी भी इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो तमाम ज़ीरो नहीं है, अभी भी एटलीस्ट वन ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है, तो ये भी एक डायगोनल एलिमेंट्स होगा। तो ये थोड़ी सी चेंज करके मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दी इसमें, तो ये भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब डायगोनल ना होने की एक आध एग्जाम्पल दे दूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। फर्ज़ के डी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फाइव 1 0 2, अब देखें इसमें एक तो स्केयर मैट्रिक्स है, वो कंडीशन तो पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो तमाम ज़ीरो नहीं है, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। और तीसरी जो है वो ये है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो लाजमी तौर पर ज़ीरो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, तो फिर डी क्या होगा, डी इज़ नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, तो डी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो उम्मीद है कि डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तो बेसिकली जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी होगा, यानी ये समझ लें कि इसकी टाइप्स अगर हम बनाना चाहें तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है। इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं
वो सेम हो। अब ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा है, तो इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन यहाँ पे आप देखें जो इसके डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है। तो अगर ये सेम है तो फिर हम इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसी तरह एक और मैट्रिक्स ले लें, अब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे सेम है, टू टू टू। तो चूंकि डायगोनल एलिमेंट्स इसमें सेम है लिहाजा ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन अब हम इसको एक स्पेसिफिक नाम देंगे, वो कहेंगे इसको स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है। तो अगर इसी से हम इस बात को आगे बढ़ाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो स्केलर मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट उसके सेम होंगे। फर्ज किया ये 1 0 0 1। अब इसको देखें हम, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि ये दोनों एंट्रीज डायगोनल एलिमेंट की सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और उससे पीछे जाएं तो ये डायगोनल एलिमेंट्स भी है, मैट्रिक्स भी है। तो लेकिन अब चूंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होने के साथ साथ वन अगर हो, स्पेसिफिक वन के लिए कर दें सेम और हो लेकिन वन हो, तो फिर उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसी तरह बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें अगर आप देखें तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम है, लेकिन स्पेसिफिक होगी कि ये 1 है, तो अगर ये 1 होगी तो फिर हम इसको स्केलर मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन हम इसको स्पेसिफिक नेम जो है वो देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह सी एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1, तो इसमें भी जो डायगोनल एलिमेंट है वो एक ही है, वो सेम 1 है, तो इसको भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का नाम देंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात आपको खसूसी तौर पर बताता जाऊँ, जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, तो उसको हमने एक जनरल नाम उसका दिया था, ओ से डिनोट करते थे। इसी तरह जो यूनिट मैट्रिक्स होते हैं उसको आमतौर पर हम आई से ज़ाहर करते हैं। स्पेसिफिक इसका जो नेम है वो आई से इसको डिनोट किया जाएगा। अब ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी यूनिट मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक छोटी सी और बात शेयर कर दी जाए आपसे कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर जो है वो 2 बाई 2 है। तो बाज़ का हम इसको आई टू से विज़ार कर लेते हैं 1 0 0 1, चूँकि इस यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है, तो इसको जस्ट सिर्फ आई टू से हम इसको डिनोट कर लेंगे। इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है इसके जो ऑर्डर है वो 3 बाई 3 है, 3 रोज 3 कॉलम, तो इसका जो नाम है उसको हम I3 से भी डिनोट कर सकते हैं, ये I2 हो जाएगा। और इसमें चूँकि 1 रो है 1 कॉलम है, और इसका नाम हम I1 से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो बाज़ सूरतों में हमें इनके इस तरह नाम शो करने पड़ते हैं। तो I1 जहाँ पे भी आप इसको बुक्स वगैरह में देखेंगे तो उससे मुराद 1 क्रॉस 1 यानी 1 बाई 1 का यूनिट मैट्रिक्स होगा। अगर I2 कहीं पे लिखा हुआ है तो वो 2 बाई 2 का यूनिट मैट्रिक्स होगा, और अगर I3 कहीं लिखा हुआ है तो वो 3 बाई 3 का जो है वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो ये थी कुछ टाइप्स जो मैट्रिक्स के हवाले से हमने पढ़ी हैं। अच्छा यहाँ पे एक दो बातें इसको मैं समराइज़ कर दूँ, थोड़ी सी मैंने डिस्कशन के दौरान भी आपको बता दी है कि तमाम ये जो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये दोनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ज़रूर होते हैं, यानी स्केलर मैट्रिक्स भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लाजमी तौर पर डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन हर डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी नहीं कि वो स्केलर भी हो,
या वो यूनिट मैट्रिक्स भी हो, यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका स्केलर होना या उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप ये सब समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट जो है वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे।